हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का। अच्छे तरीके से पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कैसे आपको चैप्टर 1 के आंसर को लिखना है ये भी हम बताएंगे। तो डिटेल आज आप चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांडे जी टेक्निकल चैनल पे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। मात्र 299 रुपए में आप इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 10 दिनों में आप अपनी कंप्लीट सिलेबस रगड़ के रख देंगे अगर आपने पांडे जी टेक्निकल के वीडियो को देख लिया। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ने वाले हैं हम पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल का। पहले चैप्टर का नाम है आपका डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के डेफिनेशन के बारे में बताएंगे और उसमें जो जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन या डिफाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके इस लेक्चर को कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए आप डेली लाइफ में क्या देखते हो, डेली लाइफ में आप देखते हो कि जब हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी बातों को, हम अपनी भावनाओं तो को अगर हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो कम्युनिकेशन मींस द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड फीलिंग और द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें अगर सूचना देना होगा किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्तियों के समूह को, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग को बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें जाननी है, ये जो चीजें हैं आप लोगों की कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 3 चीजें होती हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही पेपर में भी लिखना है। पहला ब्लॉक बना दीजिएगा तो यहां पे रहेगा आपके पास सेंडर और उसके बाद आपके पास रहेगा दोस्तों दूसरा जो रहेगा आपके पास वो रहेगा आपके पास रिसीवर। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पहला सेंडर कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाएगा, रिसीवर एंड पे भी कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होंगे, मतलब कि या तो लोगों का एक समूह होगा, व्यक्तियों का समूह होगा या फिर कोई व्यक्ति होगा। सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये क्या पहुंचा रहा है, एक प्रकार का मैसेज पहुंचा रहा है, एक प्रकार की अपनी बातें पहुंचा रहा है। ठीक है, तो सेंडर, रिसीवर और मैसेज, ये 3 चीज जो हैं आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। किस प्रोसेस में, तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ठीक है, आप इसी चीज को लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, ये जो आपका हेडिंग बनता है ना, आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे पहले, उसके बाद आप लिखेंगे अगर रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस तो आप इनमें लिख सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो यही 3 चीज होती है। एक आपके पास सेंडर रहना चाहिए, एक आपके पास रिसीवर रहना चाहिए और एक आपके पास मैसेज रहना चाहिए। मैसेज में कोई बात हो सकती है, कोई स्पीच हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है जो कि सेंडर क्या करेगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो ये आपका बेसिक है जो कि आपका कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक का आंसर कैसे लिखना है, इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप इतनी सारी चीजें लिख सकते हैं या फिर पूछेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस की आवश्यकता क्या क्या होती है, तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अलग से मैंने इसके लिए बनाया था रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको कुछ चीजें लिखनी है। एक आपके पास लिखना है सेंडर, ठीक है, उसके बाद आपके पास दोस्तों हेडिंग डालना है रिसीवर,
ठीक है, एक आपके पास सेंडर हो गया, दूसरा आपके पास रिसीवर हो गया और तीसरा आपके पास मैसेज हो गया। ठीक है, यही चीज जो होती है आप लोगों की, ये होती है रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखना है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है सारी चीजें इंग्लिश में लिखनी है तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेंडर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को आपको पता होना चाहिए कि सेंडर क्या होता है आपका। सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज। ठीक है, सेंडर क्या होता है आपका, ये सोर्स ऑफ मैसेज होता है, यानी कि मैसेज का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो आपका क्या होता है, सेंडर ही होता है। ठीक है, क्योंकि सेंडर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाता है। तो सेंडर क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, किसका, मैसेज का। सोर्स मतलब होता है दोस्तों स्रोत। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। उसके बाद आपके पास आता है कि रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, एंड पॉइंट पर खड़ा वो व्यक्ति होता है जो कि मैसेज को डिकोड करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, आप इस चीज को लिख सकते हैं कि रिसीवर इज एट द एंड पॉइंट। ठीक है, रिसीवर कहां होता है आपका, एंड पॉइंट पे होता है, हु डिकोड द मैसेज। ठीक है, जो कि मैसेज को समझता है कि आखिर में हमारे पास क्या मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, रिसीवर इज एट द एंड प्रोसेस। ठीक है, हु डिकोड द मैसेज, जो कि आपका क्या करता है दोस्तों, डिकोड करता है, हु डिकोड द मैसेज, यानी कि मैसेज को डिकोड करने का काम कौन करता है आप लोगों का, तो मैसेज को डिकोड करने का काम आप लोगों का रिसीवर कहता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। मैसेज क्या होता है, मैसेज क्या होता है, इट इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, इट इज क्रिएटेड। ठीक है, इसी तरीके से आपको बना बना के लिखते हैं, लिखना है, इट इज क्रिएटेड बाई द ट्रांसमीटर। आप इतनी चीजों को लिख सकते हैं कि ये क्या होता है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का ट्रांसमीटर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो आप सेंडर का हेडिंग डाल के भी दो लाइन लिखेंगे आराम से। ठीक है, रिसीवर का हेडिंग डाल के भी आप दो लाइन लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैसेज का भी हेडिंग डाल करके आप दो तीन लाइन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये चीजें आपके लिए जरूरी है। तो आप इतनी चीजों को लिख लीजिएगा, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा और इस ब्लॉक को बना लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर में इतनी चीजें सफिशियंट है। अब हम आगे चलते हैं, क्या है डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास कन्वर्सेशन होता है, दूसरी आपके पास कम्युनिकेशन होती है, और यही चीजें आपसे पेपर में भी पूछी जाती हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और इस लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं देखिए क्या आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैं पहले लिखूंगा कन्वर्सेशन। ठीक है, ये देखिए ऐसे हम लिख लिए पहले कन्वर्सेशन, और एक आपका होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, एक आपका कन्वर्सेशन होता है, दूसरा आपके पास होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन क्या होते हैं पहले आप इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ लेंगे। उसके पहले ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इससे भी और जबरदस्त लेक्चर दोस्तों आपको पेड क्लास में देखने को मिलने वाले हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी मात्र आपको 299 में देखने को मिलने वाली है। 299 रुपए में आप पूरी अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो आप इस नंबर को, जिस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोस्तों ये नंबर दिया हुआ है बहुत जबरदस्त, और आप इस नंबर का सहारा लीजिए और आप अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में पास होइए। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होती है कन्वर्सेशन, एक होता है कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन में क्या होता है दोस्तों, नो पर्पज रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात आप ये समझिएगा। ठीक है, नो पर्पज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर जिस बातचीत में, ठीक है, आप लोगों का किसी प्रकार का उद्देश्य शामिल नहीं होता है तो वो आप लोगों का क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। जैसे कि हम और आप अगर मान लीजिए कभी मिल गए बाहर, ठीक है, चाय की दुकान पे या खाने की दुकान पे, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आप बोले मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं सर, मतलब अगर किसी नॉर्मल टाइप की बातचीत चल रही है, ठीक है, तो नॉर्मल टाइप के बातचीत में किसी प्रकार का पर्पज नहीं होगा, किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं होगा, तो वो
कन्वर्सेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें कोई पर्पज रिक्वायर्ड है, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो उसमें आपका उद्देश्य है, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, ये कन्वर्सेशन नहीं हुआ, ये आपका कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशन में कि ए पर्पज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ए समझ में आ गया आपको, ए पर्पज इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य शामिल है, क्योंकि हम अपनी बात को आपके तक पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन यह बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका क्या हो गया, पर्पज रिक्वायर्ड हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आपका कन्वर्सेशन जो होता है ऑलवेज आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है, आपको याद रखना है कन्वर्सेशन इज ऑलवेज ए इनफॉर्मल वे, एंड कम्युनिकेशन क्या होता है आप लोगों का, कम्युनिकेशन हमेशा आपका ऑलवेज फॉर्मल हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्सेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक जो डिटेल है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है, और आप इसको समझ भी रहे हैं, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है, ओके। अब देखिए उसके बाद क्या होता है आप लोगों का कन्वर्सेशन में, क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक आपकी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, इस बात को आप ये लिख सकते हैं कि इमीडिएट फीडबैक रिक्वायर्ड, ठीक है, इमीडिएट फीडबैक रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप बात करेंगे अपने कन्वर्सेशन के प्रोसेस में तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, जैसे कि ये तो नॉर्मल बातचीत होती है, जैसे मान लीजिए मैं पूछा कि चाय कैसी है, तो आपने तुरंत बना दी, बता दिया कि चाय बहुत अच्छी बनी है, तो इसमें इमीडिएट फीडबैक हमको मिल गया, तुरंत मिल गया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं था, तो इमीडिएट फीडबैक इसमें रिक्वायर्ड होता है कन्वर्सेशन के प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ऐसा होता है कि इमीडिएट फीडबैक रिक्वायर्ड हो भी सकता है और रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है, ठीक है। तो आपके पास ये भी लग सकते हैं मे और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बी, ठीक है, रिक्वायर्ड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका इसमें जरूरी हो भी सकता है और इसमें जरूरी नहीं भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें कन्वर्सेशन के प्रोसेस में निकल के आती हैं और आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में निकल के आती है। तो ये आप लोगों का जनरल आपका क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन होता है, ओके। चलिए और भी अगर आप चाहें तो अपने तरफ से डिफरेंस को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज अपने डिफरेंस को लिखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अब आपके पास दो तरीके के और कम्युनिकेशन आते हैं, एक तो आपके पास ये जनरल कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद आप लोगों का ये टेक्निकल कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। तो जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, और ये तो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो जनरल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पहले ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जनरल कम्युनिकेशन जो होता है आपका मोस्टली ओरल होता है, ठीक है, मोस्टली ओरल टाइप कम्युनिकेशन आप लोगों का हो रहा है, होता है, ठीक है। मोस्टली ओरल टाइप कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि अगर आप जनरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो हमेशा ये जो है बोली जाने वाली कम्युनिकेशन होगी, मतलब ओरली होगी, मुंह से बोल करके की जाने वाली कम्युनिकेशन आपकी जनरल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। मोस्टली केसेस में ओरली ही देखा जाता है, ठीक है, जो कि एक प्रकार के जनरल मैसेज को कंटेन करती है, यानी कि आप लिख सकते हैं कंटेन ए जनरल मैसेज, मतलब सामान्य सूचना को, कंटेन ए जनरल मैसेज, ओके। देखिए दो तरीके की बात होती है, एक तो आपकी जनरल कम्युनिकेशन हो गई, एक आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जनरल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आप सामान्य बातचीत कर रहे हैं वो जनरल कम्युनिकेशन हो गया, और मान लीजिए कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन का कोई शेड्यूल आ गया, कोई सूचना आ गई, आपका कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया जिससे कि बहुत सारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। तो जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा या फिर जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगा वो या तो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होगा आपके, या फिर किसी स्पेशल चीज से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और आपको जनरल कम्युनिकेशन में यही सारी चीजें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल इन स्टाइल होता है, नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होता है, किसी प्रकार का सेट पैटर्न इसके लिए डिसाइड नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो होता है नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है,
आप लिख सकते हैं इसमें नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं आपके जनरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। अभी मैं जो लिख रहा हूं आपका ये टॉपिक वाइज लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप चाहें अगर आपको टॉपिक वाइज नहीं भी आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस चीज को सेंटेंस बाय सेंटेंस भी बना करके लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा मतलब निकल जाएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में। टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक्चुअली में क्या होता है, ये अभी मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन अधिकतर आप लोगों का रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है। अगर कोई आप लोगों का जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आप लोगों का कम्युनिकेशन है तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कि एक स्पेसिफिक मैसेज को कैरी करती है, ठीक है। जनरल मैसेज को कंटेन नहीं करती है, जनरल इंफॉर्मेशन को कंटेन नहीं करती है, ठीक है। ये क्या करती है आप लोगों की, ये आपकी स्पेशल मैसेज को कंटेन करती है। क्या करती है दोस्तों, स्पेशल मैसेज को ये आपकी कंटेन करती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जनरल कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, जो कि आपका जॉब प्रोफाइल से हो गया, स्पेशल मैसेज कंटेन करती है, और हमेशा आप लोगों का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है दोस्तों आपका, ये आपका जो कम्युनिकेशन होता है आपका, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आप लोगों का कम्युनिकेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में गए और एज ए इंजीनियर आप जो है जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे भी ऊपर के कुछ इंजीनियर होंगे, जैसे कि सीनियर इंजीनियर हो गए या असिस्टेंट मैनेजर हो गए, तो ये सीनियर इंजीनियर और मैनेजर अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर लेवल के लोगों को दे रहे हैं तो उस प्रकार के इंफॉर्मेशन को हम टेक्निकल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कहां से प्रभावित होगी आप लोगों की, आपके जॉब प्रोफाइल से प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो इस टर्म को याद रख लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, जो कि एक स्पेशल मैसेज को कंटेन करती है। कोई जनरल कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमेशा आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है ये, और इसमें सामान्य बातचीत नहीं होगी, ठीक है, ऐसा बातचीत होगी जो कि डायरेक्ट आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होगा, जो कि आपके जॉब से रिलेटेड होगा, तो इसी प्रकार के कम्युनिकेशन को हम टेक्निकल कम्युनिकेशन कहेंगे। हमेशा फॉर्मल होगा तो आपको मालूम है, स्पेशल मैसेज को कंटेन करेगा ये भी मालूम है। तो ऐसे ही हम आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग का बेसिक एक तरीके से हो गया जिसके माध्यम से आप आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 88 26 39 60 22, और आप 10 डेज के कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, मात्र 10 डेज में ही आप अपना कंप्लीट कर लेंगे, आप अपना पूरा कंप्लीट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं।